एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया गुरवड गुरवड भागी पाया जी ऐसा गुरवड भागी पाया गुरवड भूले मार्ग जिने बताया भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरवड भागी पाया ऐसा गुरवड भागी पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगतां नूं इस नवे साल दीआं लख लख मुबारकां। कुछ दिन पहला दास जिथे किसानी अंदोलन चल रहा है संघर्ष चल रहा है उत्थे गया। अक्सर मैं उत्थे विजिट करता रहना। उत्थे उन्होंने दास नूं संगत नूं संबोधन होने का समा दिता टाइम दिता। उत्थे भी मैं बेनती कीती सी कि अज तुहानूं भी नवे साल ते तुहाडे चरणां विच मेरी जाति तौर ते बेनती है कि जिन्ने भी तुसी गुरसिख बाणी नाल जुड़े होए हो बाणी नूं पढ़न वाले हो ये जिहड़े किसान लोग जिहदे विच बच्चे ने बजुर्ग ने जवान ने अदखड़ ने अपना घर काट छड़ के अपनियां जायज मंगां ले इत्थे संघर्ष कर रहे ने उन्हां वास्ते एक एक जपजी का पाठ रोज़ जरूर करिया करो जरूर करिया करो और जद भी नितनेम करो उस वक्त इन्हां दी कामयाबी का भी अपने नितनेम तो उपरंत अरदास विच इन्हां दी कामयाबी लई अरदास करिया करो। मैं दो चार प्रमाण आप जी नाल गुरबाणी विचों सांझे करन लगा। गोंड राग अंदर गुरु जी का वचन है धन गोपाल धन गुरदेव जिहड़ी तवज्जो बख्शो कि अन्न नूं गुरु ग्रंथ साहिब ने किस तल ते लिया के खड़ा किया। अन्न नूं किन्ना सत्कार दिता मान दिता ये गुरु की बाणी का वचन है। गोंड राग है भगत कबीर जी का। हुणे रिसर्च कर लो अगर ये अर्थ देखने होन। तन गोपाल गो का अर्थ हुंदा है धरती पाल मीनिंग पालन वाला वो परमात्मा जिहड़े सारी धरती के जीवां नूं पालदा वो धन है परमात्मा धन है धन है। धन गुरदेव
रब नूं जनाउण वाला, रब तक पहुँचाउण वाला, रब नाल जोड़न वाला जिहड़े गुरुदेव है, गुरुदेव है वह गुरुदेव भी धन है। जो मैं अगली पंक्ति पढ़ी ना तो मैं हैरान रह गया, धन अनाद इनू संधि सिद्ध करके यदा अर्थ किया डॉक्टर साहब सिंह ने, अन आद धन अनाद कह लगे अनवी धन है, अनवी धन है। गुरु ग्रंथ साहब ने अन्न की महानता दसी कि जैसे भूखे खावत इलाज ना आवे, बंदा भुखा हो अन्न खांद उन्हें शर्म आती है। अन्न किन्ना जरूरी है इस देही लिए, साढ़े त्रैमन दिहोरी साढ़े तिना मन का यह शरीर बंदे का बॉडी बंदे। गुरु ग्रंथ साहब पिता जी का वचन है, चलै पानी अन्न, अन्न पानी नाल चलता है। अन्न ना मिले पानी ना मिले तो शरीर चल सके, चले आनी पानी अन्न। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाद कह लगे अन्न आदि भी धन है। तो पुछिए क्यों, भूखे कवल टहकेब, भुखे आदमी नूं जिहड़ा कई दिनों तो डाढ़ी भुख का सताया होया, सतगुरु कहन लगे भुखे नूं किते अन्न मिल जाए तो कौल फूल की तरह वो टहक उठता है, वो दे चेहरे पर खुशी आ जाती। धन वे संत, सतगुरु कहन लगे वो संत भी धन है। जिन ऐसो जानी, जिन्हां ने ये जान लिया कि धन है परमात्मा, धन है गुरदेव, धन है अन्न, ते ओ संत भी धन हन जिन्हां ने इन्हां तिन्हां नूं समझ लिया। हुण मैं इखे एक बेनती करां, जे धन अन्न आदि धन है ते अन्न आदि नूं पैदा करन वाला की होएगा? धन नहीं होएगा, मन ही नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब ने जद किसान की गल की, मैं उत्थे भी बेनती की, किसान किसानी करै लोचै जियो लाए, किसानी किसान करता जी ला के पूरी मेहनत नाल अपनी फसल नूं समर्पित हो के, मिट्टी नाल मिट्टी हो के। असीं भी खेती करते रहे, किसान दे पुत्र। हुण किसान किसानी करै लोचै जियो लाए, हल जोतै, किसान की करदा, हल जोतै, उत्तम करे। और हैरानी की गल पता की है, जद गुरु ग्रंथ साहिब ने इबादत करन की गल कही तो महाराज कहन लगे इबादत करन लई लेजी बंदा नहीं चाहिदा, उद्यमी चाहिदा। तो उस उद्यमी आदमी नूं तस्बीह दित्ती, समझाया कि किसान वर्गा उद्यमी बन, किसान वर्गा मेहनती बन। हुण जिहड़ा एक व्यापारी है, एक नौकरी वाला है, मीह पए कणी पए उन्हूं कोई खतरा तो नहीं ना। तो किसान जिन्नी देर पक फसल पक के घर ना आ जाए वो अरदासां ही करदा रहे, कई बार पक्की फसल भी वो कुदरती आफत दे विच खराब हो जाती। सतगुरु कहन लगे जे तू बंदगी करनी है, जे तू उद्यमी बनना तो किसान वर्गा बन। गुरु की बाणी दे बचन ने, बाबा नानक साहब जी दे बचन ने सुरठ राग अंदर, मन हाली हल करै हल जोतै, मन हाली किसानी करनी। कह लगे मन नू किसान वर्गा उद्यमी बना। असी छोटे छोटे होंदे वेखदे होंदे सां
कि 4 बजे साढ़े 4 बजे किसानों ने अपने घरां चों बैल कढ लेने ते सवेर हुंदियां तक उन्होंने धरती की छाती नूं चीर के मनुखता नूं अन्न देण वास्ते उन्होंने सवेर तक प्याली नूं तैयार कर देना। ये उद्यम केवल किसान ने किया। मन हाली किसानी मन नूं हाली दी तरह, हाली कौन है? किसान। किसानी करनी कहन लगे अपना इखलाक इस किसान वर्गा रख। किन्नी मेहनत करता है ते मेहनत करके भी रब नूं समर्पित है, उहदी खेती रब दे सहारे है। जिन्ना रब दे निकट किसान हो सकता है उन्ना अडानी ते अबानी नहीं हो सकता। मैं कहना इन अंदर किन्नी भुख होएगी कि छोटे छोटे किसानों दे उद्यमी किसानों की जमीन नूं हड़पना चाहते। तो गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछिए कि किसान उद्यम करता मेहनत करता तो इसलिए कि उहदी मेहनत ते चंद कौडियां द्वारा खरीदे हुए काले मन वाले काला कानून बनाने वाले दे लेखा दे मुताबिक काले लेखा दे मुताबिक अडानी ते अबानी कब्जा कर ले। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछी किसान मेहनत करदा ते किहदे लई करदा? मेरा पुत धी खाए, मेरा पुत मेरी धी मेरा परिवार ते मेरा ये जगत इस अन्न नूं खाए। हुण गुरु की बाणी दे मुताबिक जिहड़ी धरती है ते धरती विचों पैदा होण वाला अन्न है, गुरु ग्रंथ साहिब कहण लगे उहदे ते अधिकार केवल किसान दा। मैं दूसरा प्रमाण तुहाडे सामने रखा लगा, जैसे किसान बोवै किसानी। गुरु ग्रंथ साहिब कहण लगे जिवें किसान किसानी बोंदा है धरती नूं, धरती दे नाल मिट्टी नाल मिट्टी हो गया, वो बीज बोंदा है। अगला प्रमाण है काची बाड़ी वाक परानी। हुण अपनी उहदी खेती है, कच्ची वढ ले, पक्की वढ ले, पुरानी वढ ले, नवीं वढ ले, ये उहदी मर्जी है। अज गुरु ग्रंथ साहिब ने भी जिहड़ा अधिकार किसान नूं दित्ता है वह हिंदुस्तान की यह गुलाम सरकार, पूंजीपतियां की गुलाम सरकार, पूंजीपतियां ते इशारे ते चलन वाली ये मोदी दी सरकार। गुरु ग्रंथ साहिब दे उल्ट चल के किसानां कोल उहनां दे हक खोणा चाहते। गुरमत ने जिहड़ा जीवन बख्शिया, सतगुरु कहन लगे बंदे हां अपना हक किसे नूं देई ना ते किसे दा हक कदी खोई ना। अज लखां लोग हिंदुस्तान दिल्ली दे बार्डरां नूं घेर के बैठे ने, कादे लई? अपने हक लई। गुरु ग्रंथ साहिब आखदे ने हक पराया नानका, जिहड़ा पराया हक खांदा ना वह समझ लो सूर खा रहे, हिंदू खा रहे है, गाई खा रहे है। ते जे पराया हक मोदी दी सरकार खाए ते की वह गऊ नहीं खा रहे? ये गऊ दे रखे कि ने, ये गऊ नूं माता मनण वाले ने। गुरबाणी ते आखदी जिहड़ा पराया हक खांदा है, जिहड़ा पराया हक खोंदा है, ते खोण दा तरीका की है? चार बंदिआं ने बैठ के फैसला कर दित्ता भी किसानां कोलों जिहड़ी किसानी करन वाली जमीन है वो इवें खोई जाए। अगर किसे कोलों भी कोई भी बंदा किसे दा हक खो के खांदा है, चाहे वह राजसी तख्त दा मालक होवे, चाहे वह आम जिंदगी बतीत करन वाला होवे, वो मानो गऊ खा रहे है, सूर खा रहे है। ते गुरमत ने कहा सी कि प्यारिया अपना हक छड्डी ना ते किसे दा खाई ना। मैनू वो गल याद आउंदी जद जथेदार बघेल सिंह दिल्ली आया ना, दिल्ली आया ते मुहम्मद शाह रंगीला उन्हों दिल्लियों बाहर जाके मिलता है,
मैं कहन लगा फिर भी वो राजा चंगा सी। वो किसानां नूं जा के मिलिया, वो आए हुए जथेदार बघेल सिंह नूं जा के मिलिया। ऐस तन चीरवी ठंड दे अंदर राजा ना प्रजा दा माई बाप हुंदा। इन्हां राजिआं नूं तनक मात्र भी शर्म आई भी किन्ने किसान मर चुके ने। इन्हां किसानां दा कातल मोदी भाजपा है। और आउण वाला समा इस गल की व्याख्या करके दसेगा कि जिन्हां ने यह पाप किया कुदरत उन्हां दी झोली विच की पाएगी। जथेदार आया, मुहम्मद शाह रंगीला बाहर जाके मिलिया। जिवें अज ये कह रहे ने सिख अतवादी ने, ये अतवादी आए ने, ये वक्वादी आए। कैसे गजब की गल है, अपने हक लई कोई आए तो अतवादी हो गया, तो जब प्रजा दे लई कोई खड़ा होए वो तुहाडा हितैषी हो गया। किहड़े किहड़े लकबा दे नाल संबोधन किया जा रहा है। और मैं एक होर बेनती करा, आ जिहड़ा मोदी का गोदी मीडिया ना, अगर नहीं देखोगे तो जान नहीं निकल चले। उन्हें चैनलों को कटा दो, बाइकाट कर दो। आ बाबा रामदेव, ये धनदेव बन गया, रामदेव नहीं है धनदेव है। इस दे बड़े हुए प्रोजेक्टों का बाइकाट करो, जियो का बाइकाट करो, भाजपा लीडर का बाइकाट करो। अज तो किसान डटे ने। मैं उस दिन किसानों ने एक होर बेनती की सी कि सरकारां कदी भी अंदोलनकारियों मारना नहीं चाहुंदियां हुंदियां, बदलना चाहुंदियां हुंदियां कि बदल जाण। और किसानां दी मानसिकता नूं बदलण दे लई, उन्हां दी दृढ़ अवस्था नूं कमजोर करन लई, उन्हां दी बिल पावर नूं कमजोर करन लई, इन्हां ने 2, 4, 10, 20 बंदे मारने भी पै गए तो मारनगे। अगर 10, 20, 40 की कुरबानी देनी पै जाए तो दे दो, पर अपने इरादे ते दृढ़ रहो। मैं उस दिन भी बेनती की सी कि गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू वीरां दी कलाई पकड़ी, तो फिर गुरु तेग बहादुर से सिखां नूं क्यों शहीद किया गया। भाई मतीदास ने कहा कि बांह जिन्हां दी पकड़ीए, भाई दयाला जी ने कहा सी, औरंगजेब ने क्यों तिना सिखा गुरु तेग बहादुर साहब तो पहला शहीद करवाया। वो पागल से। सरकारां दी एक नीति हुंदी है कि जिहड़ा भी सरकारां दे विरोध विच जाए ना, उहदे नाल जुड़िया होया नूं, जुड़िया होया विच्चों कुछ कु नूं मौत दे घाट उतार दो, जिहड़े बचे होणगे डर जाणगे। इन्हां सरकारां दा इक रवैया हुंदा, जे सारी प्रजा ही मार दिती तो राज कि करे। 10, 20, 100 बंदा मार देने उहदा कारण हुंदा भी जेडे इन्हां दी मौत नूं वेखण वह कम जाण, पर जेडे अपने संघर्ष लई कुरबानी दे जांदे ने अमर हो जांदे। जिन्ने भी किसान इत्थे उन्होंने अपने प्राणा की अहूति दिती इस जग के अंदर, किसानी अंदोलन रूपी जग दे अंदर, आखिर अज नहीं तो कल उन्होंने मरना सी, असी भी सारे ने मरना। भाई दयाला जी ने एक दिन शरीर छड़ना सी जो शहीद ना कर दे, पर वो शहीद होके अपने इरादे ते दृढ़ रह के एक आलमगीर इतिहास सिरज गए, सिरज गए ना। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी, औरंगजेब तू तो मेरे नहीं बदल सकिया, मेरिया नू की बदलेगा। और औरंगजेब जेड़े दृढ़ वश वो अपने विश्वास नू, अपने अकीदे नू कदी नहीं छड्डदे। मैं एक दिन राजनाथ का बयान सुनिया, बड़ी बिहूदी गल कर रहे हैं कि ये भोले किसान ने, इन्हां नू पता ही नहीं कि बिल है की आ, इन्हां बिलों की आउटपुट की होएगी,
मैं मानता है, मैं तस्लीम कर दे भी जितने संघर्ष विच किसान बैठे ने उन्हां विचों हो सकता है 80% लोगों नूं बिल्लां दे बारे ना पता हो, मन लो। पर जिहड़े साडे आगू ने, मैं उत्थे एक उदाहरण दित्ती भी माँ बच्चे नूं दुध पिलाउंदी है, बच्चे नूं पता हुंदा भी इहदा लाभ की है ते ना पीवांगा ते नुकसान की है, पता हुंदा है। पर माँ नूं पता है कि जे मैं बच्चे नूं दुध पिलावां इहदा लाभ की आने वाले समय लिए की लाभ है। मन लो ये किसान बच्चों की तरह भोले ने, बाल अवस्था वर्गे ने, पर जेड़े इन्हां दे आगू ने उन्हां नूं ते पता ना, जिन्हां ने इस बिल ते रिसर्च की है, खोज की है, उन्हां नूं ते पता ना भी इस बिल दे लागू होण नाल नुकसान की है ते ना लागू होण नाल लाभ की है। साडे ओ किसान वीर जिहड़े जथेबंदियां दे आगू ने 31 दे 31 वो साढ़े माई बाप की तरह ने, उन्हां नूं पता है और असीं उन्हां दी सोच ते खड़े हाँ। मैं एक इत्थे होर विवाक होकर बेनती करदे हां, मैं किसान आगूआं नूं बेनती करां कि इन्हां किसानां ने तुहानूं माँ की तरह प्यो की तरह समझिया। मैं टकैत जी नूं सुनिया, उपहारा जी नूं सुनिया, मैं सिरसा जी नूं सुनिया, वो खेती दे संबंध विच बड़ी गहरी डीप जानकारी रखते हैं। उन्हां नूं पता है कि ये जिहड़े किसान ने इन्हां वास्ते बिल दा रद्द होना किन्ना जरूरी है। मैं दूसरी बेनती होर कर जा कि जे माँ ही पुत नूं जहर दे दे तो फिर पुत बच नहीं जे सकता। आगूओ इन्हां भोले भाले लोगों दीआं भावनावां दा, इन्हां दे समर्पित भाव का ख्याल रखियो, कितें डोल ना जाए, वो माँ ना बन जाए जिहड़ी माँ पुत नूं जहर दे दे। और दूसरी बेनती मैं कह के खिमा मंगा, मुहम्मद शाह रंगीला जाके सिंघां नूं मिलिया, जथेदार बघेल सिंह नूं कहण लगा, जथेदारा दिल्ली मारन आया, जिदा अज दिल्ली वाले कह रहे हैं, ये खलजगन पाउन आए हैं, दिल्ली की शांति भंग करना है। जिन्ना अनुशासन उन्होंने है, इन्ना अनुशासन तो सरकार ने नहीं दिखाया। जिनी मर्यादा जिन्हों ये भोले भाले कहते हैं उन्होंने नभाई है, उन्नी मर्यादा तो चेहर से बैठ के नहीं नभा सके, नभा सके किसी के जज्बात को समझिया। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन तुहाडे सामने रखा, जैसे राजा धर्म स्वरूप राज नीत बिखै। अगर राजा धर्म स्वरूप होए, राजा केवल धर्म स्थापना से मत्था टेक के वाह वाह खटन वाला ना होए, राजा की कर दे धर्म स्थान से जाके तल खड़का के मत्थे टेक के चादर पेंट करके वाह वाह खट रहे। चलो उन्हें मत्था टेकिया भी है, उहदे विच उहदा लाभ है। आ जिहड़े लखां किसान बैठे ने इन्हां दा लाभ उहने सोचिया, ते राजा उह है जिहड़ा प्रजा दा लाभ सोचे। ते किहड़ा राजा सोचेगा? शैतान राजा नहीं सोचेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे व्याख्याकार भाई गुरदास साहिब कहण लगे, जिस देश दा राजा धर्म निरपेख होए, धर्मी होवे, उस देश दी प्रजा सुख नाल वसदी, ते जिस राज दा राजा शैतान होवे, काली सोच वाला होवे, उहदी जुबान विच्चों भी काले अखर निकलणगे, उहदे मैंड विच्चों काले ही कानून निकलणगे। और याद रखियो, लोड़ हुंदी है इस कालख नूं तोह देण दी, ते कालख नूं तोहंदे उही ने राजिआं दी खलारी हुई कालख, जिहड़े उद्यमी हुंदे ने, उद्यमी हुंदे। बघेल सिंह नूं कहन लगा, दिल्ली मारन आया, कहन लगा, ओ मुहम्मद शाह, दिल्ली ते सिखां दे वास्ते बिल्ली है, मैं बिल्ली नूं मारन नहीं आया। ओ मुहम्मद शाह, दिल्ली ते वेशवा है,
ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ? ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਆਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਨੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਜਾਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ। ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ 20-25 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ KP, ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।